हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप लोगों के लिए। एसएससी जेई 2018 का मेंस का रिजल्ट आज आउट हो चुका है। इसका डेट हालांकि टेंटेटिव 21 को दिया गया था, 21 सितंबर को, पर उससे पहले एसएससी ने जारी कर दिया ये रिजल्ट। और इसमें रिजल्ट आपके स्क्रीन पे देखिए इस तरीके से है। मैं आपको बता दूं यहां पे पेपर वन प्लस पेपर टू में कितना कटअप गया, यानी मेंस में ज़्यादा स्कोर नहीं गए हैं। प्री के अंदर जितना चला गया था उतना मेंस के अंदर नहीं गए। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। पहले इलेक्ट्रिकल है ना, डबल ई एंड मैकेनिकल का आप देखिए। डबल ई और मैकेनिकल का अगर आप देखना है तो देखिए, एससी एसटी के अंदर प्री प्लस मेंस का 217.74 गया है आपके स्क्रीन पे देखिए, है ना। इसमें 178 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। उसके बाद एसटी का देखिएगा 215 कटअप गए, लगभग इक्वल है ना, जिस और 111 कैंडिडेट यहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आप देखिए ओबीसी का 255 का डब गया है और 373 बंदे को यहाँ से लिया गया है। लगभग यहाँ पे 105 नंबर का आपका किसमें गया है, मेंस के अंदर। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 298 गए, लगभग 300 चला गया है ईडब्ल्यूएस का, जिसमें 98 बच्चे को लिया गया है। आगे देखिए यूआर की बात करूँ, यूआर में गए हैं आपके 304, पेपर वन प्लस पेपर टू का कटअप गया है 304, जिसमें कि 304 पर 61 है, जिसमें 97 कैंडिडेट लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर ओएच की बात करें तो 223 और एचएच की बात करें तो 148। तो इस तरीके से टोटल 883 स्टूडेंट को यहां पर अभी सेलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं सिविल की बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखिएगा, सिविल के अंदर स्क्रीन पे देखिए, सिविल के अंदर क्या दिया हुआ है आपका टोटल, यहाँ पे एससी का 193 कटअप गया है, जबकि एसटी का गया है 201, ओबीसी का गया है 209, है ना, ईडब्ल्यूएस का गया है 229, यूआर का गया है 250, जबकि यूआर की अगर प्री की बात करें तो 127 किया था एसएससी जेई के अंदर सिविल का, है ना, और 250 गए हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो लगभग 125 इसका मेन्स के अंदर गए हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं। और इस तरीके से आगे देखते हो तो टोटल यहाँ पे जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट है सिविल के अंदर आपका, यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल अभी जो है सिविल के अंदर 3800। अगर इसकी चर्चा मैं करूँ तो कितना है यहाँ पे 3800 स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो बाकी इसमें जो भी अपडेट होंगे, अभी एक एक चीज़ को मैं डिटेल में पूरे बताऊंगा, जो भी अपडेट्स होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम का 2016 का बताया था, 17 का बताया था, अब 18 का। एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत बच्चे रिजल्ट के लिए ये 2019 का प्री के लिए बता रहे हैं। देखिए 2019 का जो आपका 28 अक्टूबर के रेंज में दिया हुआ है ना, 28 अक्टूबर 2020 2019 वाला प्री, है ना, ये श्योर हो जाएगा। इतना दिमाग में रखना है, ये होगा ही होगा आपका पेपर, तो इसके लिए एकदम जम के तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको किसी को अभी भी लगता है तैयारी नहीं हो रहा है तो आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे जाएंगे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का चैनल है, सेम आपका इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप है, और वहाँ पर आप जाके कोर्स को देख सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं तो अभी प्रैक्टिस करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपको है नहीं, ठीक है ना। RECV के लिए भी कोर्स अवेलेबल है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो। चलिए हम इसके रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट अपकमिंग एग्जाम के अपडेट्स आप